क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स के बाद एडवेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ अभी हम चलते हैं डायरेक्ट लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। जो क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स आए थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कशन लास्ट वीडियोस में कर चुका हूँ। 15 मई को यहाँ पर रिजल्ट आए थे। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। मार्केट को यहाँ पर एडवेंचर ग्रोथ और सिक्योरिटी के रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं, क्योंकि 15 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट्स आए थे। देन उसके बाद देखें तो लगातार दो अपर सर्किट में शेयर पहुँच के एक अच्छी तेजी के साथ चल रहा है। वही यदि 1 मंथ में देखें तो लगातार गिरावट के बाद लगातार इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। यदि रिजल्ट देखें तो यहाँ पर रिजल्ट आते हुए देखने को मिले, देन फिर यहाँ से भी सेफ रिकवरी अभी देखने को मिल रही है शेयर में। उसी के साथ यदि हम बात करें आज के वॉल्यूम एनालिसिस की, तो पहले एक बार आप यदि वॉल्यूम पर नजर डालें तो वॉल्यूम 1 वीक के एवरेज में तो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ पर MIS वाले भी थे, इंटरडे वाले थे। देन यदि अभी देखें तो इंटरडे वाले यहां से गायब होने को देखें, क्योंकि लगातार अपर सर्किट में रहने के कारण यहां पे इंटरडे वाले भी थोड़ी दूरी रहते हैं। आज के दिन 26 लाख के वॉल्यूम देखने को मिले। उसके साथ यदि डिलीवरी बेस पैटर्न देखें तो एक अच्छी डिलीवरी लगातार रिजल्ट्स के बाद 65% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि उसके पहले इतनी डिलीवरी शेयर में नहीं उठाई जाती थी। यदि आप उसके पहले देखें 51% 1 मंथ के एवरेज में, 54% 1 वीक के एवरेज में, लेकिन यदि आप इस टाइम देखें तो एक अच्छी डिलीवरी 65% से ज्यादा की डिलीवरी उठाई जा रही है, क्योंकि जो रिजल्ट्स इस कंपनी ने पेश किए थे ठीक ठाक रिजल्ट्स थे। कमी जरूर थी रिजल्ट्स में, लेकिन अभी भी कंपनी यहां पे नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट बनाने में लगातार सफल रही है, क्योंकि लास्ट और भी सारी कंपनी देखें तो लगातार लॉसेस में जा रही है, जबकि यहां पे ये जो पेनी स्टॉक है 2 करोड़ का प्रॉफिट बनाने में कामयाब रहा है। मार्च 2022 के आप रिजल्ट देखें तो 2 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है, जो लास्ट क्वार्टर 3 में 4 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में कमी जरूर है, 4 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 2 करोड़ के प्रॉफिट में जाती हुई जरूर दिखी, बट देखें तो यहाँ पे भी पॉजिटिविटी है। सेल्स देखें तो सेल्स में 3 करोड़ की गिरावट है, 13 करोड़ की सेल्स इन्हें Q3 में लाए थे, अभी इस समय 10 करोड़ की सेल्स कंपनी ने मार्च क्वार्टर में बढ़ाई है। उसके साथ अदर इनकम इनकी सेम रही थी 1 करोड़ की, उसी के साथ जो टोटल इनकम में 2 करोड़ की ओनली गिरावट है। टोटल एक्सपेंडिचर बराबर देख रहे हैं कंपनी, मतलब एडवेंचर ग्रोथ और सिक्योरिटी जिस तरह से रिजल्ट पेश कर रही है, एकदम सदे हुए से रिजल्ट, जिसको हम बोलते हैं एकदम स्टेबल रिजल्ट पेश करने में कामयाब रही है। कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी रिजल्ट में नहीं देखने को मिली। गड़बड़ी का मतलब यह है कि यहां पे नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली है। इस रिजल्ट्स को भी देखते हुए बिल्कुल भी नेगेटिविटी आप नहीं कह सकते कि कोई भी नेगेटिविटी है। आपका ऐसे रिजल्ट्स के बारे में क्या कहना है, जबकि कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी यहां पे लगातार कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं 26% के अराउंड देखने को मिलती है। यहां पे अपलोडिंग होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं 26% की जो होल्डिंग है वो अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, तो एक अच्छी पॉजिटिविटी यहां से कंपनी में जरूर बनते हुए देखने को मिलती है। आपका इन सभी चीजों के बारे में क्या कहना है, आपको Q4 के रिजल्ट्स कैसे लगे वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस शेयर के एंड और अदर शेयर की टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।